हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिंक के बारे में। क्या ओपन हो रहा है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ठीक है ना, और कितने नंबर वालों को क्या सिलेक्शन हो पाएगा, कितने नंबर वालों को सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कितनी आपको क्या है, कितने टाइम तक इंतज़ार करना चाहिए, कितने टाइम तक क्या इंतज़ार नहीं करना चाहिए, पूरी चीज़ आपको क्या है यहाँ पर आज क्लियर कर दी जाएगी। आपको कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो परीक्षा आपका जो कक्षा 6 की जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा है, आपको क्या है, जो 29 अप्रैल 2023 को हुई थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जिसका जो रिजल्ट आया था वो 21 जून को आया था, ठीक है ना। और बच्चे क्या है सेलेक्ट भी हुए थे इसमें, ठीक है ना, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे। बट इसकी जो मेरिट है बच्चों, अब की बार क्या है काफ़ी हाई गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि क्या है इसका जो पेपर था वो बहुत ही क्या है सिंपल आया था, ठीक है ना। इस चक्कर से क्या है इसकी जो मेरिट है बहुत ही हाई गई थी। अब कुछ बच्चों को क्या है, काफ़ी बच्चों को क्या है कमेंट आ रहा है कि सर हमारे क्या है 90 से ऊपर हैं, 91 से ऊपर हैं। कल बच्चे का एक कमेंट आया था, सर हमारे क्या है 92 कुछ बता रहा था एक बच्चा, ठीक है ना, कि हमारे इतने फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। और वो अच्छा क्या है OBC का बता रहा था, वो अच्छा क्या है OBC का बता रहा है, फिर भी क्या है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो किस बच्चे को क्या है वेट करना है, किसको नहीं करना है, कहाँ पे जाके देखना है, पूरी चीज़ आपको क्या है बताई जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से क्या है बने रहिए पूरी चीज़ के लिए, ठीक है ना, किस तरीके से आपको क्या है करना है वो देख लीजिए अपना। तो देखो सबसे पहले तो बात यह है कि आप यदि क्या है आप एक या दो नंबर से, ठीक है ना, एक या दो नंबर से अगर रह रहे हो तो आपका क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जो मेरिट है, ठीक है ना, अब की बार काफ़ी ऊपर अब गई थी, यानी क्या है अप गई थी, ठीक है ना। कम से कम जो मेरिट गई है जनरल वालों की, कम से कम जो मेरिट गई है वो आपकी क्या है 96 के क्या है लगभग क्या है गई है मेरिट, ठीक है ना, जनरल वालों की बात हो रही है। लेकिन क्या है इसी तरीके से क्या है OBC वालों की केवल थोड़ा सा ही अंतर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है आपको आपको जो बताया जा रहा है केवल क्या है अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है, ना कि क्या है किसी उसके आधार पर, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है। अब आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो आपको यदि क्या है 91 या 92 से यदि ऊपर है आपके नंबर, ठीक है ना, अर्थात 90 से ऊपर है तो आपको वेट करना चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर और 10 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और साथ ही इसमें आपको 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको आप अभी परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रेसेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है, ठीक है ना। अब की बार काफ़ी ऊपर अब गई थी, यानी क्या है अप गई थी, ठीक है ना। कम से कम जो मेरिट गई है जनरल वालों की, कम से कम जो मेरिट गई है वो आपकी क्या है 96 के क्या है लगभग क्या है गई है मेरिट, ठीक है ना, जनरल वालों की बात हो रही है। लेकिन क्या है इसी तरीके से क्या है OBC वालों की केवल थोड़ा सा ही अंतर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है आपको आपको जो बताया जा रहा है केवल क्या है अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है, ना कि क्या है किसी उसके आधार पर, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है। अब आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो आपको यदि क्या है 91 या 92 से यदि ऊपर है आपके नंबर, ठीक है ना, अर्थात 90 से ऊपर है तो आपको वेट करना चाहिए। और आपको क्या है बार बार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे लिंक है, इस तरीके से आप लिंक देखो, ठीक है ना, इस तरीके से देखो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या है जो कॉलेज हैं, ठीक है ना, जो कॉलेज हैं उनमें भी आपको क्या है संपर्क करना पड़ेगा। संपर्क सूत्र के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो हमारे क्या है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से क्या है समझ लीजिए पूरी बात के लिए, उसके बाद में ही कमेंट करना है आपके लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कुछ बच्चे क्या है कमेंट कर रहे हैं सर हमारे क्या है 89 है या 87 है। तो देखो उनका तो क्या है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अब की बार जो मेरिट गई है वो हाई गई है। क्यों गई है? क्योंकि ये एक कड़वा सच है, ठीक है ना। यदि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो सही है, बढ़िया बात है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये जो मेरिट है काफ़ी हाई गई है। अब आपको क्या है यदि आपके क्या है 91 या 90 से ऊपर नंबर है तो आपके क्या है सेकेंड वेटिंग लिस्ट में क्या है चांस हैं, ठीक है ना, सेकेंड वेटिंग लिस्ट में चांस हैं। प्लस आपको क्या है ऐसे ही क्या है बैठे नहीं रहना है, आपको संपर्क करना है कॉलेज में, ठीक है ना, उनमें भी क्या है। और बट इतनी जल्दी जैसे आप सोच रहे हो,
कि ये जो सेकंड लिस्ट है वो जल्दी आ जाएगी। तो देखो कम से कम क्या है, 30 दिन से पहले नहीं आने वाली ये जो वेटिंग लिस्ट है बच्चों, वो क्या है 30 दिन, जब से रिजल्ट आया उसके 30 दिन से पहले नहीं आने वाली। क्यों? देखो ये वेटिंग लिस्ट ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्या है डायरेक्ट कुछ सीटें वो रख लेते हैं, ठीक है ना, और क्या है आपको क्या है वेटिंग लिस्ट डालना है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक क्या है जिन बच्चों का क्या है सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, वो किसी कारणवश या तो नहीं पहुँचे हैं या किसी कारणवश क्या है उनके जो गलत या क्या है कैसे भी क्या है जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है कमी पाई जाती है उनके डॉक्यूमेंट्स में, तो वो खारिज कर दिए जाते हैं। उस चक्कर से उनका एडमिशन नहीं हो पाया या कुछ बच्चे छोड़ देते हैं कैसे भी रहा है, तो जो सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है ना, जो सीटें क्या रह जाती हैं खाली रह जाती हैं, उन सीटों के लिए क्या है, उन सीटों के लिए क्या है सेकेंड लिस्ट आती है। जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं उनके लिए क्या है वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकेंड लिस्ट आती है। अच्छे से समझ लेना बात के लिए, ठीक है ना, उसके बाद में ही क्या है नीचे कमेंट करना कि सर ये क्या हमारे लिए क्या है ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, तो वो बात अच्छे से समझ लेना। तो समझ गए ना वेटिंग लिस्ट किस तरीके से आती है, कैसे आती है, ये अच्छे से आपको क्या समझ में आया होगा। ये भी समझ में आया होगा आपको कितने नंबर तक के बच्चों के लिए क्या है इंतज़ार करना है, कितने दिन बाद क्या है आपकी वेटिंग लिस्ट आई होगी। तो आशा करता हूँ आपको क्या है इस वीडियो के माध्यम से अच्छी खासी सभी बातें क्या है समझ में आई होंगी, ठीक है ना। यदि फिर भी कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप क्या है कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे क्या है 87 या 85 86 क्या है नंबर आ रहे हैं और क्या है नाम नहीं आया, तो आपको बार बार बताया जा रहा है क्योंकि इस बार का पेपर क्या था सिंपल था, इसीलिए क्या है जो आपकी जो मेरिट थी वो क्या हाई गई थी, ठीक है ना। तो आपको क्या है वीडियो अच्छी लगी हुई आशा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।